एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में एक बार ये सब मैं सेट कर चुकी हूँ और ये सेकेंड टाइम है जो मैं फिर से सेट कर रही हूँ। और मेरा बेबी जो है अभी खेल रहा है, मैंने उसको वॉकर में बैठाया है क्योंकि अभी उसको मुझे नहलाना है। तो मैंने उसको सारे फ्रूट्स वगैरह दे दिए हैं, लेकिन अभी जो है शायद सेब बचा है। हाँ शायद, क्योंकि वीडियो में 2 दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी वीडियो अभी मैं 2 दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी देखूँगी वीडियो में, मुझे याद नहीं है क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर आया है इनका पाल लीजिए बिस्किट और रखा है मेरा कुरकुरे। तो मैं कुरकुरे दिन भर खाती रहती हूँ और इनका बिस्किट है जो कि मैं देती हूँ इनको खाने के लिए। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो बस मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ अपना आफ्टरनून रूटीन शेयर करती हूँ। और प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट करिए, फुल वॉच किया करिए। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अब मन भी नहीं कर रहा है वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन क्या करूँ, बस बना लेती हूँ कुछ ना कुछ सोच कर। और अभी सच में मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, और कोई बात नहीं, एक दिन अच्छा वक्त आएगा। वक्त जो होता है ना, अच्छे अच्छों को झुका देता है। और एक दिन सबका वक्त आता है, मेरा भी आएगा, तो मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वक्त का इंतज़ार करूंगी, देखते हैं वक्त कब आएगा। तो यहाँ पर पीछे ये बेडशीट, सच में मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते बनाते, अब मुझसे नहीं हो पाता है सच में बताऊँ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग में इतना आसान भी नहीं है ब्लॉग बनाना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में भी। तो बस, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है रूम वाला काम ख़त्म किया। मॉर्निंग में मैंने कद्दू की सब्जी रोटी बनाई थी और इस टाइम मैं दाल चावल बनाऊंगी बस, क्योंकि सब्जी रखी हुई है और सब्जी चावल हो जाएगा, दाल हो जाएगी और जिसको रोटी खाना होगा रोटी भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है रोटी बस दाल चावल ही बनाऊंगी, सलाद वगैरह कट कर दूंगी, हो जाएगा। और यहाँ मैं बार बार अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ क्योंकि वो बेड पर लेटा हुआ है, उसको मैंने नहला दिया है और वो खेल रहा है। तो अभी जब तक मैं दाल चढ़ाऊँगी उसके बाद फिर जाऊँगी कमरे में। और अभी मॉर्निंग से ही मैं शुरू जो है वीडियो मैंने शुरू किया था। अभी मैंने मॉर्निंग वाला काम ख़त्म किया, पतिदेव को नाश्ता वगैरह बना कर दिया, वो सब लोग चले गए हैं। और मैंने आज बाल धुला था, मुझे बाल कंघी करने का मौका नहीं मिला, बस मैंने ऐसे ही लपेट लिया है, अभी मुझे कंघी करना है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना तो टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं, और लगे हाथ जब आप कंघी कर लो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं चावल नहीं बीना है मैंने, दाल जो है साफ़ करके रख दिया था, चावल साफ़ करना है तो फटाफट चावल साफ़ कर लूँगी। और दाल मैंने चढ़ा दिया है और बस तड़का लगा दूँगी, जल्दी से दाल चावल बन जाएगा। लेकिन अभी मेरा बच्चा जग रहा है तो अभी मैं जा रही हूँ उसके पास, जब तक दाल बनेगी तब तक चावल साफ़ करके रखा रहेगा, फिर उसी में चावल डाल देंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसको मैंने नहला दिया है लेकिन इस बच्चे को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है ना। क्या दे दे बेटा, क्या दे दे, क्या दे दे, तो ये देखिए यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने बालों को सुलझाने और देखिए कितना ज़्यादा उलझ गया है। तो मैंने जो है दाल चढ़ा दिया था, दाल हो गई, उसके बाद चावल चढ़ा दिया है, लंच मेरा तैयार है और पतिदेव अभी आएंगे, दोनों उनकी फरमाइश है आम की चटनी,
तो फटाफट आपको चटनी बनाना है और बस उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग से उठी हूँ। मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं और मॉर्निंग वाला सारा काम ख़त्म किया है। और ये देखिए मेरा बेटू खेल रहा है और यहाँ पर मैं अपना बाल सही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं मेरे बाल और बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, सच में एकदम से झड़ चुके हैं। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा बालों में क्या लगाऊं। तो मेरे साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, एक हो तो फेस भी कर लो, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ तक इंसान करता रहे। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और अब तो टेंशन भी होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं, सब दूर हो जाएगा, जैसे भी बताया वक्त वक्त की बात होती है, वक्त सबका आता है। मैं भी वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ मेरा वक्त कब आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं अपना बाल बांध लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैंने जो है इनको नहला दिया है, लेकिन ये अभी तक सोए नहीं हैं, क्योंकि ये जब मैंने नहलाया था ना तो ये सो के उठा था, और उसके आधे घंटे बाद इसको नहला दिया था, तो इसलिए कितना सोए वो भी, तो अभी ये जग रहा है। और चलिए अब थोड़ा सा मैं इनके साथ मस्ती कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ अगर वीडियो में आगे मिल पाऊँगी तो पक्का मिलूँगी, नहीं तो फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। और वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। सच बताऊँ तो एडिटिंग वगैरह करने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों वीडियो ही बनाने का मन नहीं करता, तो एडिटिंग तो बहुत दूर है, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्लीज़ सपोर्ट करो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और अगर मेरा बेटा सो जाएगा टाइम से तो पक्का मिलूँगी, नहीं तो मैं मिलूँगी आप लोगों से मॉर्निंग में। तो बाय बाय। Yeah.